और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी और अहम खबर से। जयपुर में एसीबी का बड़ा धमाका, डीआरसीटी कोऑपरेटिव का देशराज यादव ट्रैप हुआ है, इंस्पेक्टर अरुण प्रताप सिंह भी ट्रैप हुआ है। दोनों को एसीबी ने 5 लाख की घूस लेते दबोचा है। 5 लाख रुपए की रिश्वत ले चुके थे ये लोग पहले भी। सोसाइटी में मदद करने की एवज में घूस मांगी गई थी। एसपी बजरंग सिंह की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। वहीं एसीबी डीजी हेमंत प्रियदर्शी, डीआईजी रणधीर सिंह के निर्देश पर ये कार्रवाई की गई। और जिस संवाददाता नवीन शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नवीन, बड़ी और अहम कार्रवाई है जिसे एसीबी ने अंजाम दिया, किस तरह से शिकंजे में इन दोनों को लिया गया? देखिए, वाकई में एसीबी को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। एसीबी ने कार्रवाई करते हुए जो डीआरसीटी कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसका देशराज यादव और उसी के साथ जो इंस्पेक्टर है अरुण प्रताप सिंह, इन दोनों को एसीबी ने 5 लाख रुपए की घूस लेते हुए गिरफ्तार किया है। दरअसल एक परिवादी की सोसाइटी थी और उसमें मदद करने की एवज में और परेशान नहीं करने की एवज में जो सोसाइटी को डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था, उसके बाद आज एसीबी ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दूं, ये दोनों घुसखोर एसीबी की गिरफ्त में है, इनसे पूछताछ की जा रही है। साथ ही आपको बता दूं कि एसीबी के जो एडिशनल एसपी हैं उनके निर्देश पर, बजर सिंह शेखावत है, उनके निर्देश पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। इन दोनों घुसखोरों से पूछताछ की जा रही है, इनके घर पर एसीबी की टीम पहुंच चुकी है, घरों की सर्च की जा रही है। घरों की सर्च में क्या कुछ निकलता है वो एक देखने वाली बात होगी और अपने आप में एक बेहद एक बड़ी राशि है। आपको बता दूं, 5 लाख रुपए ये पहले भी ले चुके थे परिवादी से और उसके बाद में आज इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसीबी ने जो दोनों आरोपी हैं इनको गिरफ्तार कर लिया है। अब कुछ ही देर में एसीबी की टीम आरोपियों को लेकर एसीबी मुख्यालय पहुंचेगी और उनसे पूछताछ की जाएगी। पूछताछ के बाद कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। इस कार्रवाई के बाद जबरदस्त हड़कंप का माहौल है और एसीबी की टीम आरोपियों से पूछताछ कर रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नवीन आपका इस पूरी जानकारी के लिए, क्योंकि पूछताछ जारी है और उम्मीद यही कर सकते हैं कि आगे भी और अहम खुलासे होंगे कि आखिर इसमें और कौन कौन लोग शामिल हैं।